दक्षिणांचल टाटा पावर कार्यालय को आज घेराव करी जो भाई भाव में पूरा विद्युत उपभोक्ता संघ कहीं जो भाई भाव में वर्तमान समय विशेष करके टाटा पावर जो मनमानी चली विद्युत कार्ड कथा कह विद्युत बिल देवार अहेतुक विलंब कथा कह आउटसोर्स कर्मचारी को जमीती निजुक्ति न देवाए सब प्रसंग को लेकिन आप देखुंट हजार हजार जो भाई भाव में उपभोक्ता आरंभ कर प्रत्येक बुद्धिजीवी सामिल होती आंदोलन में जो भाई भाव में दीर्घ समय धरिकी टाटा पावर कार्यालय प्रमुख गेट सम्मुखें मध्य आसिकी धारणा बस आम सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा विगत दिन मानक आप देखिं विभिन्न घर कंपानी घर कंपानी मैंने आस भाव में मनमानी विभिन्न स्तर में देखाई टाटा पावर आसवा पर विद्युत कार्ड आ विद्युत बिल एवं आउटसोर्स कर्मचारी को कमी देखुं देखो अति दुर्भाग्यर कथा लज्जाजनक कथा ओडिशा राज्य सरकार 25 वर्ष पाई टाटा कंपनी को राज्यर विद्युत वितरण व्यवस्था बिक्री सोल्ड आउट बिक्री कर तेणु गोटे घर कंपानी हाथ में पड़ा जहाँ हवा कथा बर्तमान होघोषित विजुली काट एवं बारंबार विजुली काट दुई हूँ आपण लो वोल्टेज गुणात्मक विजुली देखा ना एवं ठीक समय रे लोक बिल दि जाऊना गत दुई मास धरिकी मुझे जड़े कंज्यूमर मुझे उपभोक्ता मत दुई मास धरिकी बिल दि जाए ना एवं पूरा सहर नहीं आज्ञा पूरा साउथ को मैं आप जो दक्षिणांचल अंचल मुझे जहाँ खबर पाई ओडिशा रे सर्वत्र तीन हूँ मनइच्छा हजार हजार टंकार बिल पठाऊ हजार हजार टंकार एवं ग्राहक मानकर अभियोग शुणापी कौन सी व्यवस्था ना प्रथम जुलूम कर तुम्हें आग टंका डिपोजिट कर तापर कथा हाँ ये टाटा को बिकिदेला राज्य सरकार भावुं कि टाटार बापर संपत्ति यहाँ नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत संपत्ति नुहे ओडिशा राज्यवासी विद्युत बोर्ड तैयारी हला पर मैंने राज्य विद्युत संपत्ति की सृष्टि कर नवीन पट्टनायक लोके भोट दे पांच वर्ष पर अधिकार किए दे 25 वर्ष पर टाटा को बिक्री करने आपण आयुष पांच वर्ष तीन हूँ ग्राहक मानक सांगे आपणकर कर्मचारी श्रमिक मान दुर्दशा आहुरी अधिक से दुर्दशा ये टाटा पावर को ओडिशा सरकार कौन टाटा पावर कौच मात्र 2113 जन रेगुलर कर्मचारी ये अच्छा ताले ये जो 20 वर्ष धरिकी विद्युत सेवा अंचल किए जो आसि से प्रश्न को सर विशेष भाव मोर स्पष्ट भाव प्रश्न रही है जो जितेबले 56 दिन होगा आज्ञा आम बारंबार खबर परेषण करमती बस आउटसोर्स कर्मचारी मैंने आलोचना होलोचना विफल हो एमती केते दिन जो मैंने विशेषकर कोरापुट रु कथा कह रायगड़ रु कथा कह मालकानगिरी कथा कह समस्त आसिक पड़ी रही आज्ञा 56 दिन है तथापि कौन सी प्रकार कार्यकारी बर्तमान देश रे मुझे भारत बर्ष गोटे ट्रेंड चलती कौन से ट्रेंड ना सरकार किसी ना सब हूँ प्राइवेटाइजेशन घरेकरण आप देखो 8 मास है चाषी मैंने दिल्ली रे 8 मास है रास्ता अवरोध कर पड़ते रास्त पड़ते कहीं शुणाक नहीं आमर मध्य श्रमिक बंधु मैने दीर्घ दिन धरी इटे भोक उपास पड़ुं कहीं शुणाक नहीं 2 मास हो जाऊँ बर्तमान परिस्थिति रे जदि समस्ते एकजुट न होवा प्रतिवाद नक यो घरेकरण जो ट्रेड चली सीए कौन कर ना खाली निजर सुविधा फायदा केवल चाहिए सी ना जनसाधारण हित चाहिए निश्चित भाव जनसाधारण हित कथा आसूची मुझे पाख आसबी आज्ञा जितेबले आपण मैंने बारंबार दाबी को उपस्थापन पूर्वर करपण दाबी उपस्थापन करने भितर गोटे पर गोटे घर कंपानी को अनुकंपा देखा जातु आउटसोर्स कर्मचारी कथा कह उपभोक्ता कथा कह विद्युत बिल कथा कह विद्युत जमती कि संजोग करने कथा कह सबुरे कहीं अहेतुक विलंब देखा ओडिशा सरकार विद्युत शिल्प को एवं वितरण व्यवस्था को टाटा पावर हाथ को टेकदेला बिक्री करदे जो बर्तमान अवस्था सृष्टि भयंकर अवस्था तार समस्ते शिकार होती कंज्यूमर मैंने शिकार होती अस्थायी कर्मचारी मैंने शिकार होती समस्ते तार शिकार होती कहीं देखुं आपने जो बर्तमान प्रतिदिन करेन्ट कटू विद्युत काट हो प्रतिदिन लो वोल्टेज एवं ग्राहक मान को जो उत्तम सेवा यही बर्तमान से लोक शोषण कर नीति हूँ यहाँ
प्राइवेट कंपनी विशेषकर टाटा कंपनी जो मैंने कि बड़ बड़ कॉर्पोरेट संस्था से उद्देश्य हूँ लोक शोषण करके मुनाफा अर्जन करने आंदोलन आगू जारी रही हाँ पूरा रही निश्चित भाव आम जमीक आलोचना करूँकि जो भाव में उपभोक्ता मानक बेस ठकामी शिकार होगा पड़ी विशेष भाव जदि टाटा पावर कथा कह प्रत्येक लोक मन में प्रश्न उठे जे राति सारा दिन तमाम एमती विद्युत काट हवा विद्युत बिजुली बिल न देबा ए सब प्रसंग को देखिले कोटना कोठी टाटा पावर निश्चित भाव मनमानी पदार पड़ी जहाँ को लेकिन आज विद्युत उपभोक्ता संघ तरफ आंदोलन को ओह्ल हजार हजार जो भाव में विद्युत उपभोक्ता आंदोलन को आशा करवा हे तो टाटा कर्तृपक्ष हूँ राज्य सरकार दृष्टि देवार आवश्यकता हो पड़ी। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाग अर्गस न्यूज़।